बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है हर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है ना मॉर्निंग का टाइम और अभी बजे है 9:30 और मैं नहा धो के आ गई हूँ। अब पूजा वगैरह सब कर चुकी हूँ लेकिन अभी रेडी नहीं हुई, सिर्फ मैंने कपड़े पहन लिए हैं और अभी अब से तो हेयर वगैरह मैंने कुछ कॉम नहीं किया है क्योंकि अभी मैं आ गई हूँ सीधे किचन में और मैं बनाने जा रही हूँ थोड़ा सा नाश्ता क्योंकि मुझे अभी कहीं जाना है, इसीलिए मैं रेडी भी हो गई हूँ। और सबसे पहले यहाँ पे दूध चढ़ाऊंगी, फिर थोड़ा सा नाश्ता बनाऊंगी इनके लिए क्योंकि इनको खानी है मेडिसिन। तो चलिए फटाफट से रेडी करते हैं नाश्ता। हाँ तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर मैं आ गई ना अपने किचन में और सबसे पहले मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है दूध पकने के लिए क्योंकि अभी हम लोग चले जाएंगे तो दूध जो है ना फिर ठंडा नहीं हो पाएगा, तो फ्रिज में नहीं रख पाएंगे तो फिर सारा दिन ना बाहर ही रह जाएगा। वैसे मौसम तो ठंडा हो गया है लेकिन फिर भी ना मैं पका के ठंडा करके फ्रिज में रख देती हूँ। तो उसके बाद देखिए मैंने यहाँ दूध चढ़ा दिया, फिर आटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पटरा बेलन सब मैं धो के रख दी थी लेकिन फिर मैं ले करके आई हूँ और ये आटा मैं बाउल में अलग ही रखती हूँ क्योंकि ये रोज़ यूज़ रहता है। तो इसी बीच देखिए ये भी आ गए, इनका कुछ मतलब बात थी इनको जो मेरे साथ इनको शेयर करनी थी। और वैसे मैं सच बता दूँ तो इनकी ये खासियत है कि कोई भी घर में काम हो या बाहर का कुछ भी काम हो ना तो ये मेरे साथ हर बात को शेयर ज़रूर करते हैं, हम लोग आपसी सलाह के बाद ही कोई काम करते हैं। तो देखिए फिर यहाँ पे मैंने इनके लिए बना दिया है ऑमलेट क्योंकि इनको ना ऑमलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि जो इनको पसंद है वही बनाऊँ ताकि ये मन से खाएं। और इस समय इनके लिए अच्छी खिलाई करना मतलब बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो दवा लेते हैं ना बहुत ही हार्ड दवाइयाँ हैं। तो देखिए फिर यहाँ पे एक एक करके मैं रोटी बनाती गई और गरम गरम रोटी इनको मैं सेक सेक के तुरंत तुरंत देती जाती हूँ। सेक के रख दो ना तो फिर ये नहीं खाते, मतलब खाने को तो खा ही लेंगे ज़बरदस्ती में लेकिन वैसे मन से नहीं खाते। तो मैं हमेशा ऐसी तरह से सेक सेक के इनको देती हूँ। और देखिए इसी बीच ना मैंने अपना एप्रन भी ढाल लिया था इसलिए क्योंकि पहले मैं सच बताऊँ तो मैं भूल गई थी क्योंकि आदत है नहीं, क्योंकि फिर मुझे याद आया कि मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे तो फिर मैंने पहन लिया। और इस देखिए मैंने यहाँ पे काम कर लिया, ख़त्म हो गया ना तो फिर मैंने गैस वगैरह और काउंटर टॉप वगैरह सब अभी क्लीन कर दिया क्योंकि फिर मैं चली जाऊँगी तो फिर ये ऐसे ही गंदा पड़ जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि अभी इसको कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हो गया मेरा पूरा काम और आटा वगैरह जो थोड़ा बच गया है उसको भी उठा के मैं रख दे रही हूँ फ्रिज में। और फिर मैंने ले ली अपने यहाँ पे कॉफ़ी और अब जाके पीऊँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना खाना वाना सब हो चुका है, बस अब जा रहे थे रेडी होने के लिए। तो इनको मेडिसिन वगैरह सब कुछ दे दी है। मांग देखो मेरी, आजकल ना हमने वीडियो शूट किया था ना तो उसमें काफ़ी ड्राई वाला सिंदूर लगाया था तो लग रहा हो ना काफ़ी ज़्यादा लगा है, अच्छा लग रहा है। तो बस जा रहे थे रेडी होने तो हमने कहा थोड़ा सा व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं और अभी आपको दिखाते हैं ये बैठे हुए हैं, इनका लग रहा मन नहीं हो रहा जाने का। अब ये देखिए फ्रेंड्स आ गए हैं और इनका ना आप खाना पीना खा चुके, मेडिसिन खा ली और अब इनका जो है तो जाने का मन नहीं हो रहा। देखिये इधर से उधर अभी हॉल में बैठे थे और अब यहाँ आ गए, देखे यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये देखिये फ्रेंड्स खाना पीना खा के और हमको रेडी करा के अपना लेट गए हैं। क्या बताओ चल रहे कि नहीं चल रहे आप परी, आपसे पूछ रहे चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? और कितना तैयार, हम तो तैयार है। आप उठो ना, ये मोबाइल चला लेके बैठे हो, सुस्ती लग रही है, सुस्ती लग रही है सही में। खाना पीना खा लिए तो अब इनको लग रही है सुस्ती। छोड़ो अब उठो जल्दी, चलिए जाइए तैयार होइए, हम तो तैयार है, मन नहीं हो रहा का। देखिए एक तो सबसे पहली बात इनको बोलने में ना कोई चीज आधा घंटा लग जाता है, अभी तक नहीं बता पा रहा कि चलने का मन है कि नहीं है। लेकिन अब हम हो गए हैं रेडी तो अब जाना तो पड़ेगा इनको, चलो कर दिए। हाँ जल्दी तैयार हो बाबू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो गए हैं रेडी और अब चलिए बस निकलना निकलना रह गया है और ये तो चले गए हैं नीचे। तो बस देखिए मैं हो गई हूँ रेडी और अब बस निकलते हैं यहाँ से, अपना मोबाइल ले लूँ और एक रख लिया मैंने पर्स में और एक ले लिया है और इसमें ले लिए बिट्टू के कपड़े क्योंकि वो ना यहाँ से डायरेक्ट घर नहीं आएगी, जाएगी सीधे नन्ना के आपने क्योंकि यहाँ पे हम लोग आ नहीं पाएंगे तो फिर बच्चे होंगे परेशान। तो चलिए सब लाइट वगैरह ऑफ करते हुए चलते हैं, यार जल्दी रहेगी। तो चलिए बस निकलते हैं यहाँ पे माता रानी का, देखिए मंदिर में दिया जल रहा है,
एक बार मैं हाथ जोड़ लूँ फिर निकलते हैं। तो बस यहाँ पे ना घर से बाहर निकलते समय मेरी आदत है कि मैं भगवान जी के हाथ जोड़ के ही घर से निकलती हूँ। वैसे पूजा तो सुबह हो जाती है लेकिन जाती हूँ ना तो ज़रूर जोड़ती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग निकल चुके हैं और ये हम लोग रास्ते में हैं, और सच बताऊँ मुझे नहीं पता था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और देखिए अचानक मुझे ये इस शॉप पर लेकर के आए और बोले कि पसंद करो जो लेना है, तो मैं खुद ही शॉक थी कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं कि यहाँ जाना है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, तो अब इस समय बज रहा है शाम का 5 और हम लोग अभी अभी बिल्कुल घर आए हैं और बच्चों को भी साथ में लेके आए। जाते समय इनको मम्मी के घर पे ड्रॉप कर दिया था। नहीं, जाते समय तो हम लोग मतलब इनको नहीं ड्रॉप किया था, बच्चों को ये तो स्कूल में थे, इनके कपड़े वहां पे हम छोड़ के गए थे कि बच्चे आएंगे तो पहन लेंगे। और फिर वैन वाले भैया को कॉल कर दिया कि इनको वहीं पे छोड़ देना, तो बच्चे वहीं पहुंच गए थे, तो इनको फिर वहां से लेकर के आए हैं। और ये देखिए लेकर के आए हैं, हमें तो फिलहाल ये मालूम नहीं था कि है क्या, लेकिन ये बता के गए कि ये हार्पिक, हार्पिक इसको मतलब बोलते हैं, हार्पिक का ये क्या है, टिकिया जैसा है। तो ये दो है और इसको जो है जो कमोट होता है ना, तो जो उसके पीछे जिसमें पानी स्टोर होता है, तो वो जिनके घर में भी है तो यूज करते हैं, आपको मालूम ही होगा, तो वो नहीं काफी गंदा सा अंदर हो जाता है, तो ये उसी के लिए है। उसी में मतलब एक ही सेट और एक ही सेट रख देना है, और इसकी जो पन्नी लगी हुई है ना इसको नहीं निकालना है। तो परी को जो है ना वहां पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि इसको पढ़ाई करनी थी और वहां पे पढ़ाई हो नहीं पा रही थी, तो बिट्टू को लग रहा था कि जल्दी से घर पहुंचे। तो फिर तो एक चीज और लेकर के आई है लेकिन वो मुझे मिल नहीं रही पूरे घर में, देख डाला कि कहाँ रखा है क्योंकि स्टोर रूम में देख लेते शायद हो सकता है यहाँ पे रख दिया हो, कहीं नहीं है, पता नहीं कहाँ गए, मेरे ख्याल से शायद नीचे वाले हॉल में रखा होगा। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं, कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं, और चेंज करने के बाद जब तक तो चेंज करेंगे इधर उधर करते कराते ना टाइम और हो जाएगा, तो फिर पियेंगे एक कप बना के कॉफी। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पे चढ़ा दी है मैंने कॉफी, और कॉफी पी लूंगी ना तो थोड़ा सा माइंड जो है ना तो फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि दिन भर की थकावट होती है। आज हम लोग मतलब बहुत परेशान हुए, जाना था कहीं, पहुंचे कहीं, आज मैं इनके ऑफिस भी गई थी, मैंने वहां का वीडियो तो नहीं शूट किया क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग थे ना, तो थोड़ा सा भी पब्लिक प्लेस में मैं नहीं कर पाती हूँ शूट। लाइट चली गई है तो थोड़ा सा आपको अंधेरा भी दिख रहा होगा ना, तो ये इन्वर्टर चल रहा है और लाइट आज पता नहीं क्या हो गया, लाइट कुछ दिन से यहाँ पे लाइट बहुत जा रही है। आप लोग के यहाँ भी जा रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड बस बना के कॉफी पी लेते हैं और उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी खाना शाम का, वो भी कोई पक्का नहीं है कि बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि देखते हैं शाम को बच्चे क्या खाएंगे और ये क्या खाएंगे। ये लोग वैसे पनीर ही खाएंगे, तो जो ये लोग खाएंगे वही मैं भी खा लूंगी, तो अगर खाना बनेगा तो फिर बनाऊंगी, नहीं बनेगा तो नहीं बनाऊंगी, मैं फ्री हो जाऊंगी। तो अपने वीडियोज वगैरह में थोड़ा सा बनाना भी है, थोड़ा एडिटिंग भी करनी है, तो बस ये वाले वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ, और अभी एंड करने के बाद जा रही हूँ अपने वीडियो की एडिटिंग करने के लिए, एडिटिंग करूंगी तभी आप लोग को ये देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट से इसको यहीं पे करते हैं एंड, अगर आपको पसंद आता है तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना प्यार अपना सपोर्ट इसी तरह से बना के रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।